सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर तुम लोग माइनक्राफ्ट खेलते हो तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए। और बॉयज़ प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लो, क्योंकि यार मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको मैं पहले से लेकर एंडिंग तक सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे क्या करते हो। भाई यार रैबिट, हेलो यार, सबने यार फॉलो किया कि नहीं? गाइस इंस्टा पे भी जाके फॉलो कर लेना और डिस्कॉर्ड में भी ज्वाइन कर लो यार। यार ये रुक भी नहीं रहा। ओके यार छोड़ो इसको, जाने दो। सबसे पहले स्पॉन होते हो तो आपको तोड़ना पड़ेगा ट्री। मैंने ट्री तोड़ दिया है और गाइस कम से कम 4 लॉक तो तोड़ना ही है, क्योंकि पहले लॉक का बनेगा क्राफ्टिंग टेबल, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है माइनक्राफ्ट में। और गाइस स्टिक्स भी बनाओ, क्योंकि और बॉल्स ज़्यादा मतलब वुडन के टूल्स मत बनाओ, क्योंकि इसमें ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती और पावर नहीं होती, जल्दी टूट जाते हैं। तो पहले यार इसको मैं क्यों तोड़ रहा था पिकैक्स से? गाइस मुझे तोड़ना पड़ेगा अभी स्टोन्स बहुत सारे, तो आप देखते रहो मैं तोड़ता हूँ। गाइस एक टाइम पे कम से कम तो 15 तो तोड़ लेना, मैंने कम तोड़े पर कोई बात नहीं यार, मुझे हो जाएगा। बस स्वॉर्ड चाहिए एक आपको पिकैक्स और एक एक्स चाहिए पेड़ काटने के लिए बस। और अब फर्नेस चाहिए, फर्नेस के लिए कम पड़िया, मैं बोला था मैंने कम काटे, वो बाद में कर लेंगे। तो बाय द वे अभी मुझे जाना पड़ेगा जगह ढूंढने के लिए। और गाइस अगर आपको सर्वाइव करना है ना, तो सबसे हार्ड होती है फर्स्ट नाइट आपकी, उसके लिए आपको 3 शिप्स मारने पड़ेंगे। मैं अभी मार रहा हूँ यार, क्योंकि यार बेड बनाना है और वो सबसे हार्ड होता है। तो यार प्लीज़ एक रात से पहले बेड बना लो, नहीं तो वो रात आपकी मतलब बहुत ख़तरनाक रात, मतलब क्या बताओ यार। अभी जॉम्बीज आते यार, स्केलेटन्स आते, स्पाइडर्स आते, सब तोड़ के चले जाते। तो अभी ये जगह सही लग रहा है, एकदम पहाड़ों के पेड़ों के बीच, और यहाँ मैं अपना घर बनाऊंगा। तो पहले मुझे सब अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल और अब बेड बनाता हूँ। रुको भाई साहब, बेड बन चुका है यार, मतलब ये रात हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ मैं। गाइस यहाँ पे थोड़ा पेड़ के ऊपर चढ़ के थोड़ा व्यू ले लेता हूँ मैं। गाइस अभी मैं चढ़ लेता हूँ पूरा ऊपर और आसपास मैं देख लेता हूँ कि क्या मिलता है मुझे। अगर कोई मॉन्यूमेंट मिल गया या फिर स्ट्रक्चर मिल गया तो बहुत बढ़िया। यार कुछ दिख तो नहीं रहा, नीचे हनी भी है लेकिन अब कोई काम नहीं है हमें उससे। तो यार यहाँ पे आइस बायोम है, वहाँ पे ओके, बस इतना ही है यार। गाइस यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो जाने दो अभी। अब यार ओ भाई साहब, ये इसके मैं फाइंड में था भाई, ये मुझे चाहिए था। और अभी मुझे इसमें से चाहिए कोल, बस मैं कोल की उम्मीद रखता हूँ भाई, और कुछ नहीं चाहिए, बस कोल चाहिए यार। बस ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ यार अभी। ओके अरे यार गाइस 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 इससे बच के रहना भाई। इस अभी मैं इसके पास जा रहा हूँ, बट आप मत जाना, आप भाग जाना यहाँ से, क्योंकि यार ये फटता है तो आप पूरा एक ही बार में उड़ जाओगे। तो यार मैं यहाँ पे कोल माइन कर लेता हूँ। और अगर आपको डायरेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप कोऑर्डिनेट ऑन कर लो। गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो सेटिंग्स के ऊपर बनाने वाला हूँ कि आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी चाहिए और कैसे प्रो सेटिंग्स होती है, पीवीपी स्किल्स और सर्वाइवल सेटिंग्स। तो अभी मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ और गाइज मैं जाता हूँ मेरे बेस के पास, वहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है मेरे को जाने के लिए। तो लेट्स गो गाइज, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और फूड रख दिया है मैंने फर्नेस में। मैंने फर्नेस भी बना लिया था अभी, जो स्टोन माइन करके आया था मैं। यार अभी मैं सोच रहा हूँ गाइस, अभी आपको अगर ज़िंदा रहना है तो आप एनिमल्स पे डिपेंड नहीं रह सकते पूरा दिन। तो यार तो क्या करना चाहिए आपको? तो आपको करना चाहिए फार्मिंग, उसके लिए आपको लगेगा सीड्स के लिए आपको ग्रास तोड़नी पड़ेगी। गाइस ये रविन सही है, इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में जाऊँगा, देखते क्या क्या करते भाई नेक्स्ट वीडियो में। OP या फिर कोलैब होने वाला है यार, आई डोंट नो व्हाट। ओके बट अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि फार्मिंग के लिए लगेगा पानी जो मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ करने वाला हूँ फार्मिंग। गाइस रात होने वाली है। तो गाइस यार अभी फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है यार अपनी,
तो ये ग्रास तोड़, ओ भाई साहब अभी भागने का है, नॉन स्टॉप भागने का है गाइस, रुकना नहीं है। रुके तो गए ये, आप मतलब रिमेम्बर कर लो यार कि रुके तो गए भाई। ये देखो यार साइड में मॉब स्पॉन होने लग गए। स्केलेटन और क्रीपर से ज़्यादा बच के रहो क्योंकि वो फटते हैं भाई, और स्केलेटन दूर से मारते। भाई मैं पहुंच गया यहाँ पे, बट ओ भाई यहाँ पे मेन प्रॉब्लम होती है यार, पेड़ के नीचे होते वो लोग दिखते नहीं है और भागने को जगह नहीं मिलती। भाई यार दे आर नियर बाईज यार, हट जाओ गाइज, एक हाथ एक हाथ एक हाथ, छीट छीट छीट, सो जा भाई। ओ भाई सो गया यार गाइस। अरे यार मर गया, अब गाइस शायद मेरा सोना मुश्किल होने वाला है। अरे यार ये क्या खुल रहा है? नहीं यार गाइस शायद इसको मारना पड़ेगा भाई, रुको भाई। तो गाइस यार इसको मारना, अरे यार ये भी आ गया भाई 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 भाई, मत 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 मत, एक नंबर भाई, पिकैक्स मिल गया हाथ में। अब शायद ये, अरे यार क्राफ्टिंग टेबल खुल रहा है। ओपी गाइस अभी सोना है, जल्दी जल्दी। ओपी यार बच गया, नहीं तो अभी जाता भाई मैं। ओके पूरी रात मेरे को नींद नहीं आती। अरे भाई कौन मार रहा है यार, पेड़ के नीचे छुप के मारते हैं ये लोग भाई। स्वॉर्ड सब सामान मिल गया मेरे को, और भाई एक चेस्ट बना। भाई मर गया यार, शिट कौन मार रहा है ये बोयो, कहाँ से मार रहा है यार? ओ वहाँ से मार रहा है, रुक 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 भाई तू रुक, गया भाई तू गया गया। ओपी भाई भाई साहब ये लोग भाई कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। और गाइस एक मैं तुमको बता देता हूँ कि अगर जोम्बी के सर पे हेलमेट रहेगा, जोम्बी या फिर स्केलेटन, तो वो जलेगा ही नहीं, धूप में नहीं जलता भाई वो। तो ओके गाइस इस वीडियो में इतना काफ़ी है, आई होप आपको कुछ सीखने मिला होगा। चलो बाय।